तो बताओ भी बाप का नाम सब ला रही है। पैकिंग चल रही है, मुंबई निकल रहे हैं। कौन? सिर्फ मैं जा रहा हूँ अकेले मुंबई। अरे माई चू इधर कहाँ घुस गया, बैठ गया देख। मैं और पापा ने लास्ट में डिसाइड किया कि शाय अपनी गाड़ी दीदी को दे रही है। गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है, माता मानते हैं हम, हमारे हिंदू में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, जानवर है। तो जिनके भी सड़क पे घूमते ना, उनको चलान होना चाहिए कि एक तरीके से अपने बच्चे को अपनी माँ को मतलब सड़क पे कैसे छोड़ सकते हो यार। शहर के अंदर ले ले भाई, रोक ले यार। नहीं भाई, हमें अभी भी हमें बाहर से निकलना है उदयपुर, अंदर नहीं घुसना। अंदर उस होटल के सामने से निकलेंगे जो आपने ये मेरी और शाह की जो यूनिवर्सिटी में फीसा के साथ हम गए थे, रुपए रुके थे एक होटल में, उस होटल के सामने से निकलेंगे बिल्कुल। शादी है क्या? तो बताओ भी बाप का नाम सब ला रही है। चलाओ। कौन किसका नाम है मयंक? तेरा बाप का नाम है। ओए जेगू, तू अपने बाप को बुलाएगा ठीक है, अक्ष के नाम से। नहीं दे दो। दादी बेटा, कविता जी कमर पे फैल गया मेरा तो सूख देखो। अरे आज का फैल रहा है, तो फैल रहा है, सूख रहा है, फैल तो रहा है। पर दिक्कत है ना, ये अरे चला दो बेचारी, कार्टून चला दे यार। आप वो दवाई दो, मैं लगाऊंगी इसको। मैं रोज लगा रही हूँ ना, हर टाइम। ये पता ही नहीं चला कि ये शाय की दुआ था सेम पैच और ये मायशू की दुआ है। शायद बच्ची है इसलिए ज्यादा रिएक्ट कर गया, पर देखेंगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल तो अभी पैकिंग चल रही है, मुंबई निकल रहे हैं। कौन? सिर्फ मैं जा रहा हूँ अकेले मुंबई। ये देखो कपड़े पैक्ड है, किस किस के? चाय के एंड मायशू के। यस, मायशू भी मुंबई आ रही है, आपकी अपने सपनों का शहर मुंबई। अरे मायशू कुछ नहीं किया, पिटाई नहीं पड़ी है उसको। कार्टून के टाइम कोई छेड़ेगा तो ऐसी रिएक्ट करेगी। देखो मिन्नत के बाद कार्टून चलाया और वो भी ढंग से नहीं देखने दे रहे, बहुत चोर है यहाँ पे, मैं बाहर जाता हूँ। फिलहाल हमारी पैकिंग चल रही है, इसके अंदर शायक और मायशू का है, मेरा सामान हमेशा अलग होता है उसमें, उस बैग में। बंद कर रहा हूँ कार्टून। अच्छा आप रो रहे, आप प्लीज नहीं बोल सकते? अच्छा पापा किसी कर दो, पापा ने कार्टून बंद नहीं कर रहे, जल्दी आओ, जल्दी आओ पापा किसी करो। अरे अब तो चल रहा है, ये लो यार मैंने थोड़ा बंद किया है, ये लो लो कार्टून देखो, लो 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 खुश रहो। ओए बिन पहनने का लौटे, अभी रो रहा है, अभी खुश हो रहा है, अब रो रहा है, ये क्या कर रहा है? मायशू आपने अभी हैंड अलर्ट कर दी ठीक है, ये देखो गीला दिखाई दे रहा है, वहां जिग्गू ने कर दी, वो देखो वो गीला दिखाई दे रहा है, अब इसके ऊपर भी कर दो सारे कपड़ों को। डायपर क्यों नहीं पहनते भाई? बहुत डायपर पहनती है, पर बच्चा पूरे दिन जब डायपर पहनता है तो रैशेज हो जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए बिना डायपर के भी रखना पड़ता है। बता देती है कि वॉशरूम जाना है, सुसु आ रही है, पर पता नहीं आज क्या हो गया, जिग्गू जब भी आता है ना तो ये कॉम्पिटिशन में कुछ करती नहीं, उसको देख हम देख सब कुछ उल्टा करती है। बालू मायशू पता है आपको, आप तो आराम से फ्लाइट से आओगे, पापा को जल्दी निकलना है, पापा को रात को निकलना है। नहीं भाई तो बाद में करेंगे, भाई तो बाद में करेंगे, अभी नहीं जा रहा, आपको सोने के बाद जाऊंगा मायशू। नो ये बताओ, ये अब पैकिंग करने दो मायशू। ये ऐसा है कि अचानक से प्लान बना, मैं और पापा ने लास्ट में ये डिसाइड किया कि शाय अपनी गाड़ी दीदी को दे रही है, जबकि दीदी को नहीं पता है प्राइस है। तो पापा ने और बोल दिया कि 15 दिन बाद गाड़ी मिलेगी, अभी नीचे मिल रही, तो पर शाय ने बोला कि सेल्टॉस जो है वो दीदी को दे रहे हैं हम 3-4 महीने के लिए, जब तक दीदी मुंबई में उसको अच्छे से यूज़ करी। थोड़ा सा आपको बताया था मेडिकल इशूज चल रहे हैं, तो इस चक्कर में जो कहता है ना कमेंट में कि देखो शाय कितना गंदा बिहेवियर देती है, ऐसा नहीं है भाई। तो भाई शायद कि अपनी गाड़ी भेज रहे, तो वो गाड़ी मैं बिना बताए अभी दीदी को बताया नहीं, आज अभी 13th रात को 14th हो जाएगी, मैं रात को निकल रहा हूँ, 13 की एक तरीके से सुबह निकल रहा हूँ, और मुझे 15 की रात तक मुंबई पहुंचना है, जो कि अभी मुंबई एक्सप्रेस वे नहीं बना है। काफी लड़कियों के मेरे पास मैसेज आए थे कि आप उससे चले जाओ 12 घंटे पहुंचोगे, वो अभी सिर्फ जयपुर तक ही खुला हुआ है। आप वीडियो देखिए, आप एक बार चेक करो, न्यूज़ वाले गए टेस्ट करने के लिए, ऑप्शन क्या पता खुला हुआ तो किस्मत मेरी अच्छी होगी, नहीं तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है।
हाईवे से आराम से 28 से 30 घंटे लगते हैं। मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ अकेले। मैंने पाठक को बोला साथ चलने के लिए, पर वो कह रहा चल लेगा अगर चल लेगा और ठीक है, नहीं तो फिर अकेले जाएंगे मुंबई। 1500 किलोमीटर, दो दिन की जर्नी, एक रात का स्टे। लाइट को क्या हुआ है? कभी लाइट ये ठीक हो रही है, कभी खराब है, कभी सही हो रही है। उसका फ्यूज हिल रहा है और वो अभी से नहीं, अपनी लोकेशन का कम दोस्तों हुए। तो भाई मैं अकेले निकल रहा हूँ, शाय दादी, मायशु, कमाक्षी और मेरी फ्लाइट भी बुक्ड थी 16th की, पर वो मैं बोर्ड नहीं करूंगा। तो ये चारों आ रहे हैं मायशु से, अब मुंबई में मिलेंगे। मायशु पापा आपको मिस करेंगे। भूत है हमारे घर में। मैं 15th को पहुंच जाऊंगा, चाहे दोपहर में चाहे रात को, दीदी को सरप्राइज देंगे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अभी फिलहाल जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, अभी बातें कर लेंगे तो ब्लॉग में बचेगा क्या यार। चलो गाइस पैकिंग करते हैं स्पीड से। मैं पहली बार जिंदगी में चाहता हूँ, क्योंकि इवेंट ऐसा है कि सारे फॉर्मल्स कपड़े टाइप थोड़े से लेके जा रहा हूँ, वो खराब ना हो जाए। तो मैंने शाय को बोला कि जो भी अपना बैग है, शाय का बैग, मेरा बैग, कमाक्षी से बोला है कि कमाक्षी अगर अपना बैग देना चाहेगी तो मैं तीनों बैग गाड़ी में डाल के ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आते हुए मायशु को संभालते हुए दादी को लेकर आना थोड़ा दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने बोला कि गाड़ी में ले जाऊंगा जब चाहे दीदी के घर रहे हैं, है ना। गलत कह रहा हूँ? अब देखो जिसको देना, कमाक्षी दोनों बैग दे रही है ना। आएगी ऐसे ऐसे करती हुई आएगी एयरपोर्ट पे, छोटा सा बैग लेके, बड़ा मेरे को दे रही है, जे सूटकेस चाहिए। मैं भी अपने कपड़े अच्छे से लेके जाना चाहता हूँ कि उनकी आयरन खराब ना हो जाए। ये सेल्फ ऑब्सेस बच्चा है, जहाँ ये शीशा देखा था वो तो मैंने तोड़ दिया है। कल शाय घर से गई है और हमने छोटी सी क्यूट वाली फाइट की, फिर उसके बाद हम हंसी खुशी शायद चली गई, और हंसी खुशी नहीं गई। और मैं यहाँ से उतर रहा था, मेरा घुटना इस पे लगा कैसे होता है कोई की, यहाँ से घुटना लगा था, मेरी हल्की सी खाल भी उठी थी, देखो ये निशान। तुम्हारी खाल का तो नहीं पता, तुम्हारी बॉडी पे तो कुछ नहीं हुआ, पर इतना इस पे नट पे ऐसे उतरते, पता नहीं मैं ऐसे उतरा, देखो मैं ऐसे उतरा और वो मेरा पता नहीं कैसे ऐसे नट लगा। और ये यहाँ से शाय का, जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, शाय का यहाँ से कांच पूरा टूट चुका है। अभी मायशु की वजह से हमने यहाँ लगा दिया है। शाय की डिनर मैंने दी ऐसी चीज है, कांच हल्का सा भी क्रैक, इतना ही खूबसूरत हो खराब हो जाता है। और ये बहुत हैवी ड्यूटी में, चार बंदों से भी नहीं उठेगी वैनिटी, गारंटी कह रहा हूँ। चढ़ाने में हमारी हालत टाइट हो गई थी। मुंबई से आने के बाद इस ग्लास को, अच्छा है कि ये रैक वाला ग्लास खाली गया है, अगर ये बड़े वाला जाता ना तो दिक्कत हो जाती। अब ये तो मैं यहीं पे अपने पास वाले से चेंज करा सकता हूँ ग्लास, भाई ग्लास वालों पे मिल जाए, क्यों नहीं मिलेगा। इन्हीं से लगाऊ, इन्हीं से लगाऊ। चुप करा दो मम्मी, जल्दी चुप करा दो, चुप करा दो, चुप करा दो, प्यार कर दो, जल्दी गले लगा लो, गले लगा, मायशु मायशु गले लगा लो, गले लगा लो, मायशु किसी कर दो, चोट लग गई मम्मी को, किसी कर दो, किसी कर दो, ठीक हो गई, ठीक हो गई। यही लास्ट में जाके यही डॉक्टर, यही बनते मेला छोना बाबू जो होता है ना, यही बनते, किसी करने, किसी करने में चोट ठीक हो जाती है। फैला के चल दिया रायता, अब कहीं सारा हो गया, क्या दिक्कत क्या आ रही है बताओ। अरे मायशु इधर कहाँ घुस गया, बैठ गया, देख इसमें बंद हो जाएगी, और ढूंढते रहेंगे, आवाज मार मार के ढूंढते रहेंगे। मायशु ऐसे बिना बताए मत घुसो, क्या हो गया इतने सारे सूट के साथ। अरे मुझे तो छोटा वाला दे दो भैया, मेरा इसमें हो जाएगा, मैं छोटा ले जाऊंगा, तो आ जाएंगे मेरे कपड़े छोटे में। 7-8 किलो वजन ना कोई ना देखता, ये तो हैंड बैग में चला जाता है। हाँ, हैंड बैग में चला जाएगा ये बड़े। अरे भैया तीन अटैची मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अरे तो ये हैंड बैग है ना, ये हैंड बैग की ट्रॉली है। पर फिर वो वापस कैसे लेके आएगी? ये वाला छोड़ के आएंगे ना, इतना सामान। मर्जी जो कर लो, इतना कंफ्यूजन है, तो लोग इतने सारे जा रहे हैं। भाई सो रहा है। ओल 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 मायशु का सेब छीन लिया। मायशु आपका सेब ले लिया, आप अभी तो रो रहे थे, दोबारा रो के दिखाओ, चलो ये लो एप्पल, ये दो, ये ले ले ले। अरे प्यार से मायशु, प्यार से देना होता है, मायशु प्यार से देना होता है। दे दिया एप्पल, वो एप्पल वो पड़ा। थैंक यू। मेरे पापा बेटा देखो कैसे एप्पल खाते, बेटू एप्पल ऐसे ली, मैं खिलाऊंगा, पापा खाओ, लो लो मम्मा आप खा लो, लो देखो मायशु भी खुश होते, मायशु का पेट भर चुका, एक एप्पल ये खा के रखा हुआ, देखो ये रखो गया। अरे एप्पल कहाँ गया ये रहा। ठीक है, गुड नाइट मम्मी, जब जाऊंगा तो उठा के जाऊंगा। किसको खाना है? वो खाना है मायशु अपने मुंह को मेरे मुंह में डाल, कच्ची कच्ची है मायशु में मस्ती है। दो दिन बहुत मिस करूंगा, मुझे पता है, थोड़ी दो दिन बाद फिर दोबारा मायशु से मस्ती करेंगे, अभी सो जाना चाहिए, दो घंटे का नैप लेता हूं, दो घंटे बाद दिखाना है। बाय बाय मायशु,
मुंबई मिलते हैं आपसे मेरे बच्चे, मैं और पाठक हम दोनों जा रहे हैं। इसको मैंने एक घंटे पहले बेचारे को बोला कि भाई छुट्टी ले ले, इसने अपनी ऑफिस से ऐसे छुट्टी ली है, मांगी है। थैंक यू ब्रदर, नहीं तो मैं अकेला पागल हो जाता। हाँ उधर किसी का भी फाइनल नहीं हुआ भाई, पाठक ने एंड टाइम पे फाइनल किया और कहा मैं चलता हूँ, नहीं तो मैं अकेला, मेरी वाट लग जाती थी, इतना बोरिंग हो जाता ना। चलो कोई नहीं, बस सफर के लिए एक अच्छा हम साथी का होना बहुत जरूरी है, बीवी ना सही तो भाई सही। बीवी को तुम छोड़ के जा रहे हो? अरे भैया मेरी तो मजबूरी है। चलो बाय बाय, ठीक है आ जाओ। बाय कामाक्षी, कामाक्षी बाय बाय बाबा बाय बाय निकल चुके भाई। सॉरी पाठक, मैं दिल से सॉरी फील कर रहा हूँ कि भाई मैंने उसको दो घंटे पहले बोला, नौकरी वोकरी घर वाला एडजस्ट करना, बॉस को एडजस्ट करना बहुत कुछ होता है, पर कोई नहीं, चलते हैं भाई मुंबई। 1500 किलोमीटर है, अभी नया हाईवे बनानी है तो दो दिन का ट्रिप है। अच्छे दरबार की जय, माता रानी जैसे लेके जा रही है वैसे आराम से ले आना, अपनी सदा कृपा बनाए रखना, ठीक है। जय माता दी। चलिए एक्सप्रेस पे हम चढ़ चुके हैं, अब देखो कहाँ तक खुला मिलेगा। वैसे जयपुर तक है जहाँ तक मुझे पता है, अब खुल गया हो तो अलग बात है, पर मुंबई एक्सप्रेस पे सोना से चढ़ता है और हम उस पे चढ़ चुके हैं। ये रहा, और देखना भाई क्या खूबसूरत 5 लेन का हाईवे है ये, मतलब जबरदस्त। इससे अब तक खूबसूरत हाई एक्सप्रेस वे पूरे इंडिया में नहीं बना है, इतना जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है भाई साहब। मतलब 2 घंटे में जयपुर नॉन स्टॉप अगर चलोगे तो एक कॉन्स्टेंट 80-90 की स्पीड पे, तब ये देखो भाई साहब सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे है जो 12 घंटे में आपको मुंबई लगवा देगा सामने सीधा, पर रास्ता है बंद। आए थे कि सर खुल गया, ऐसा नहीं है, नहीं खुला है, ये सामने ही है, आप बस 200 तक ही आ सकते हो, 200 के बाद आपको उतरना ही पड़ेगा कंपलसरी है, क्यों आगे बंद कर रखा है रास्ता, अब पता नहीं कब खुलेगा। अगर खुला होता ना तो मजा आता यार, हम ये सोच रहे थे फिंगर क्रॉसर है कि खुला मिल जाए, पर अभी नहीं खुला है। देखो अपडेट कब आती है, अभी तो फिलहाल के लिए क्लोज्ड है, अब हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। पत्थर ही लगा दिए तो क्या कुछ खुला है ये बता, क्या पता आगे, हाँ क्या पता आगे बात करने से खोल दे तेरे लिए स्पेशली। 8 घंटे बचेंगे ना, प्रधानमंत्री की राइट हैंड आई है खोलन के लिए हाईवे, मतलब ये लगा लो ज्यादा 15 घंटे की होती है वो, अब होगी कितने की, 30 घंटे की, इतना फर्क है। पहला स्टॉप हमने लिया है भाई, पहली बार ताकि बीच में एक बार और खड़े हुए थे मुंह धोने के लिए, नींद आ रही थी बीच में, हम 2 घंटे के लिए गाड़ी में सो भी गए, और अभी हमें जो लोकेशन है वडोदरा की वो मान लो कि अभी 600 किलोमीटर है, अभी हम सिर्फ आए हैं 500 किलोमीटर। राजस्थान अगर आते हो ना एक चीज जरूर ध्यान रखना, किस चीज का ध्यान रखना सड़क पे, गाय का एकदम से आ जाती है डिवाइडर के बीच में, ब्रेक हमारे 2 बार लग चुके हैं, क्यों डिवाइडर में ये घास है ना इनके पीछे से निकलाती है, बीच में बड़ी बड़ी घास है उनके बीच में से अचानक से निकलेंगे, ठीक है बहुत रिस्की है। गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है, माता मानते हैं हम, हमारे हिंदू में और गाय को माता का दर्जा दिया गया है, जानवर है तो जिनके भी सड़क पे घूमते ना उनको चलान होना चाहिए, कि एक तरीके से आप अपने बच्चे को अपनी माँ को मतलब सड़क पे कैसे छोड़ सकते हो यार, नहीं गलत है, क्योंकि भाई अचानक से बीच में निकल गए तो देखा जाए तो गाड़ी वाले की भी गलती नहीं होगी। बिल्कुल राइट ना, जैसे रेलवे में होता है कि अगर गाय अगर सड़क पे रेलवे पे आते हैं रेलवे उल्टा केस करता है जिसकी गाय होती है, तो वो चीज सड़क पे भी होना चाहिए। 10 घंटे रात को पहुंचेंगे गुजरात ओनली। फाइनली कहाँ आ गए हम, उदयपुर आ गए, और हमने ब्रेकफास्ट खाना कब खाया था आखिरी बार, रात में खाया था जब घर से निकल रहे थे उससे पहले खाया था, और तेरे को मैंने बढ़िया पेट भर खाना खिलाया। हम दिल्ली से आ गए 750 किलोमीटर आ चुके हैं, सिर्फ 2 पैकेट चिप्स और 2 कोल्ड ड्रिंक बस, इसके ऊपर 2 रेडबुल। हाँ वही ये ना बढ़िया,
अब रोकूंगा नहीं, सीधा वडोदरा। अभी हमें यकीन मानोगे कि हमें 300 किलोमीटर और जाना है, 300 किलोमीटर के अप्रोक्स और जाना है वडोदरा, जो हमने सोचा स्टे करेंगे। तो पाठक कह रहा खा ले, खिला दे भाई कुछ खिला दे। रात को हमने 10 बजे खाना खाया था ना, जो घर से निकलते हुए वही खाया था। अब तक हमने कुछ नहीं खाया सीरियसली। और जयपुर के नया हाईवे से लेके यहाँ उदयपुर तक आपको कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं मिलेगा जिसमें आप फैमिली समेत बैठे खा सको। क्यों, ज्यादा ट्रक वाले जो होते हैं ढाबे, छोटे पॉइंट्स होते हैं, टी पॉइंट्स वगैरह, वैसे ही थे, कोई प्रॉपर ढाबा नहीं। शहर के अंदर ले ले भाई, रोक ले यार। नहीं भाई, हमें अभी भी हमें बाहर से निकलना, उदयपुर अंदर नहीं घुसना। अंदर घुस जहाँ फंसाएंगे हमें राइट लेना है यहाँ से, और अगर सीधे चले गए ना तो उदयपुर के अंदर होंगे। हम उस होटल के सामने से निकलेंगे जो आपने ये मेरी और शाह की जो यूनिवर्सिटी में फीसा के साथ हम गए थे, में रुके थे एक होटल में, उस होटल के सामने से निकलेंगे बिल्कुल। हम पुरानी यादें ताजा, नवंबर में आया था लास्ट उदयपुर, इतनी जल्दी सोचा नहीं था दोबारा चक्कर लग जाएगा मेरा। तो उदयपुर शहर अंदर 5 किलोमीटर हम पर बाहर से निकलेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है खाने का और कुछ मिला भाई? रोटी खिला दे, चल आज चिप्स खाएगा, चल साढ़े 300 किलोमीटर मतलब 6 से 7 घंटे का सफर अभी बचा हुआ है भाई। बहुत दिन बची है भाई दिल्ली मुंबई करने के लिए एक दिन में। खाना मिल गया, खुश है तू? कर दिया खुश है ना? मैंने जबरदस्ती छुट्टी कराई है बस कि चल भाई तेरे को खिलाऊंगा खूब। तो ये देख रहे हो ट्रैफिक, ट्रैफिक गुजरात में एंट्री का है क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है स्टार्टिंग से, बिहार और गुजरात दोनों ड्राई स्टेट है। तो कोई अल्कोहल कैरी ना कर रहा हो मोस्ट प्रोबेबली उसी चीज़ की चेकिंग है, और बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। ये देख रहे हो ट्रैफिक, इसमें फंसे हुए हमें आध घंटा हो चुका है, पर चल रहे धीरे धीरे। ये कुछ गाड़ी वाले हैं जो मान नहीं, टेढ़ी मेढ़ी घुसानी है बस। हम दिल्ली वाले पे आ गए ना, कोई घुस नहीं पाएगा। उस पर आ गए ना, हाँ। एक गाड़ी नहीं घुस पाएगी। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, सारी सबकी वो जल गई भाई। शादी है क्या भाई साहब? कोई शादी का पंडाल उंडाल होगा क्या? था ये आग लगी हुई है, सिर्फ धुआं धुआं कुछ दिख नहीं रहा, बंद हो रखी है तो दिखाई दे रहा। गर्मी रोड के परली साइड तक महसूस हो रही थी हमें इस गाड़ी के अंदर इस वक्त, इतनी ज्यादा आग लगी हुई थी। तो सब एम्बुलेंस नहीं है तो मतलब सब सेफ ही होंगे, पर आग ज्यादा लगी हुई है और एम्बुलेंस वो पहुंची हुई थी फायर ब्रिगेड वगैरह बुझाने के लिए, पर सब कुछ खत्म हो चुका था पंडाल पूरा एकदम। बहुत बड़ा पता नहीं क्या था, समझ नहीं आ रहा क्या था, शादी लग रहा था। नहीं झुग्गियां नहीं थी भाई, झुग्गियां तो नहीं लग रही थी मुझे, मुझे ये लग रहा था वो कोई वैसे शादी वादी का स्टेज टाइप का लग रहा था भाई, पंडाल वगैरह पर बहुत भयंकर आग थी भाई, सब कुछ खत्म भाई। एक बार अगर फैल जाने तो काबू में नहीं आती। कोप्सो सब ठीक होंगे भाई, रुके हम इसलिए नहीं क्योंकि वन वे कर रखा था, ट्रैफिक लग जाता। फाइनली बिना मतलब बीच में स्टॉप्स लिए वैसे नहीं रुके हम, बीच में बस 2 घंटे गाड़ी में सोए थे, और मतलब डायरेक्ट दिल्ली से हमने वडोदरा 1050 किलोमीटर नॉन स्टॉप लगा चुके हैं, वडोदरा आ चुके हैं। शहर में जाने के लिए अंदर मुड़ना है, हम बाईपास से बाहर निकलेंगे। हमारा प्लान था यहाँ स्टे करने का, यहाँ स्टे करेंगे। 12:04 हो रहे हैं, हमें घर से निकले हुए एग्जैक्ट हो चुके हैं 18-20 घंटे के आसपास हो चुके हैं हमें घर से निकले हुए, और अब तक हम गाड़ी में ही सोए हैं 2-3 घंटे जो सोए हैं। यहाँ रुके ना और सीधा मुंबई लगाते हैं। चल वेल डन ब्रो। एक वडोदरा हमारा स्टॉप था, हम पहुंच चुके, और मैं रुकने का हमारा भी मन नहीं कर रहा, सोचे जितना आगे जा सके चल देते क्योंकि नींद तो आ नहीं रही है, थोड़े से होटल के पैसे बचा लें। तो बाय गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही। दीदी को नहीं पता है हम इंस्टा पे स्टोरीज डाल रहे हैं, दीदी और जीजा को मैंने और पाठक ने दोनों ने हाइड कर दिया स्टोरी दीदी जीजा से, उन्हें नहीं पता है लिटरली कि हमारे हैं। उन्हें पता है कि हम 16 तारीख को फ्लाइट से आएंगे, पर ऐसा नहीं है, फ्लाइट से घर वाले आएंगे। मैं पहले ही गाड़ी लेके सरप्राइज देने के लिए पहुंचने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड क्या रिएक्शन होने वाला है। उसके बाद फिर वो फ्लाइट से आएंगे, उन्हें पिक भी करने जाना है एयरपोर्ट। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय गाइस।